हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? तो गाइस, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं आफ्टर अपडेट। अगर तुम्हारे गेम भी भाई लैग कर रहा है, अगर तुम्हारे FPS भी पहले से बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं, अगर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो इस वीडियो में मैंने कुछ स्टेप्स दिए हुए, कुछ सेटिंग्स दी हुई है, जिसको अप्लाई करने के बाद तुम्हारा जो लैग है, तुम्हारा जो FPS है, वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और जो लैग है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी सेटिंग्स है उन सभी को एक एक करके अप्लाई करो और एंड में मुझे जरूर बताना कि क्या तुम्हारा इससे लैग फिक्स हुआ या फिर कौन सी सेटिंग तुम्हारे लिए बेस्ट वर्क करी। तो वीडियो को शुरू करते गाइस बिना किसी देरी के, और प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं से लोग काफ़ी सारे लोग देखते हो वीडियो को बट लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ भाई लाइक कर दो यार। और इस वीडियो में लाइक है मैं 100 लाइक्स का या फिर उससे ज़्यादा, जितने भी कराओ भाई करा देना यार। और इस तरह का और भी वीडियोज़ चाहिए, इस तरह की मतलब और भी वीडियोज़ वगैरह चाहिए तुम लोग को PC से रिलेटेड, तो भाई तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर मेरे चैनल को एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। मैंने और भी वीडियोज़ अपलोड की हुई है, तो एक बार चैनल को जरूर से चेकआउट कर लो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा, अगर तुम लोग फ्री फायर मैक्स पे खेल रहे हो तो भाई इसको तुरंत डिलीट कर दो, क्योंकि इसमें भाई तुम लोग को काफ़ी सारे ग्लिच, काफ़ी सारे बग्स वगैरह देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा भाई तुम्हारा यहाँ पर गेम लैग हो सकता है और काफ़ी सारे ग्लिचेस वगैरह हैं यार इसमें फ्री फायर मैक्स में। तो तुम्हें यहाँ पर नॉर्मल फ्री फायर डाउनलोड करना है, और वैसे तुमको पता होगा इंडियन सर्वर में फ्री फायर नॉर्मल जो है बैन है, और वैसे भी तुमको मिल जाएगी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, x86 या फिर अमेजोन APK मिल जाएगा उसका। तो उसको डाउनलोड करके भाई यहाँ पर तुम लोग को उसको ड्रैग करके उस पर खेलना है, ठीक है, और फ्री फायर मैक्स पे मत खेलना भाई, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएंगी। और जैसे तुम लोग फ्री फायर नॉर्मल डाउनलोड कर लो तो उसके यहाँ पर गेम में आना है, उसमें आना है तुमको। और सबसे पहले गाइस तुम्हें यहाँ पर मैं सेटिंग बताता हूँ, तो तुमको यहाँ पर ना डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलता है सबसे टॉप पे, सेंटर में, ठीक है, डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलता है जहाँ पर हमारा डाउनलोड सेंटर होता है, जो इस पर क्लिक करना है तुम्हें। और यहाँ पर जो भी रिसोर्स वगैरह, जो भी अनवांटेड मोड है, अनवांटेड मैप्स हैं, वो सब तुम्हें डिलीट कर लेने हैं। और इसके लिए सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर नीचे सेटिंग का गियर का एक आइकन मिलेगा, इस पर तुम्हें क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर नीचे इस पर क्लिक करना। और यहाँ पर तुम लोग को एक ऑप्शन मिलता है ऑटो डाउनलोड और यहाँ पर ऑटो क्लियर। ऑटो डाउनलोड को तुम्हें ऑफ करना है, इससे क्या होगा तुम्हारा जो रिसोर्स पैक है ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होंगे। और ऑटो क्लियर को ऑन कर लेना, इससे क्या होगा जो भी कैचे वगैरह बनेगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और तो क्या इसके यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारे ये अनवांटेड मैप है, अनवांटेड रिसोर्स पैक है, जो भी तुम लोग डाउनलोड करते हो, मतलब जो जो अनवांटेड है उनको हटा देना है, ठीक है, जो जो मेन है उन्हीं को रखना, बाकी सब डिलीट कर लेना। इससे क्या होगा तुम्हारे गेम का लोड कम हो जाएगा और तुम्हारा गेम पहले से और ज़्यादा स्मूथ चलेगा। अब गाइस तुम्हें आना है अपनी सेटिंग में, यहाँ पर डिस्प्ले में आना, डिस्प्ले में गाइस यहाँ पर देखो ग्राफिक्स का ऑप्शन आता है, इसको तुम्हें भाई स्मूथ पे रखना है। अगर तुम्हारा गेम लैग करेगा तो भाई इसको स्मूथ पे करना ही पड़ेगा, क्वालिटी भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और अगर अच्छा PC है तो स्टैंडर्ड FPS अल्ट्रा पे खेल सकते हो, लेकिन लो एंड है तो स्मूथ करना। हाई FPS का ऑप्शन आता है गाइस, इसको तुम्हें हाई पे रख लेना है। अब बहुत से बंदों के में हाई में ये जस्ट अपोजिट होता है, बहुत से लोग के भाई सिस्टम जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाता हाई FPS को, तो यहाँ पर तुम्हें इनहेंस पे रख लेना है, ठीक है। जैसे मेरे उसमें भाई इनहेंस पे काफ़ी बढ़िया चलता है और स्मूथ, हाई पे थोड़ा सा लैग वगैरह करता है, तो इनहेंस पे काफ़ी बढ़िया चलता है, तो इनहेंस मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब गाइस देखो गेम की सेटिंग इतनी ही थी, इसके अलावा यहाँ पर तुम्हें कोई चेंज नहीं करने है, बाकी सब डिफॉल्ट रहेगा। और इसके बाद तुम्हें गाइस यहाँ पर आना है अपने एमुलेटर पे, और अगेन बोलना चाहूँगा गाइस फ्री फायर नॉर्मल डाउनलोड कर लेना, फ्री फायर मैक्स पे मत खेलना भाई, बहुत लैग करेगा। अब गाइस तो चलते हैं कुछ एमुलेटर सेटिंग पे, तो यहाँ पर एमुलेटर सेटिंग में जाना है। सबसे पहला टैब आता है भाई परफॉर्मेंस का, और जो भी सेटिंग मैंने करी हुई है गाइस वही तुम्हें रखनी है यहाँ पर, जिससे तुम्हारा एमुलेटर बहुत ही फास्ट चलेगा, बहुत ही स्मूथ चलेगा। और CPU एलोकेशन 4 कोर रखना है, मेमोरी एलोकेशन में 4 GB, और वहाँ पर परफॉर्मेंस मोड में तुम्हें रखना है भाई हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। और गाइस यहाँ पर तुम्हें फ्रेम रेट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेम रेट देखो बहुत से लोग बोलते हैं इसको 240 FPS कर लो तो तुम्हारे FPS बढ़ जाएंगे, भाई FPS तो बढ़ जाते हैं लेकिन भाई वो FPS जो होते हैं वो भाई तुम्हारे गेम को सपोर्ट नहीं करते, मतलब तुम्हारा गेम भाई उतने FPS को सपोर्ट नहीं कर रहा तुम्हारा PC, तो इसलिए भाई तुम्हें यहाँ पर जो FPS है वो रखने हैं भाई 80 से लेकर 100 के बीच में, तुम कुछ भी रख सकते हो, 240 मत करना भाई, 240 सिर्फ FPS उससे बढ़ेंगे लेकिन वो एक्चुअल FPS नहीं होते, तुम्हारा गेम फिर भी लैग करेगा। तो तुम्हें यहाँ पर 80 से लेकर 100 के बीच में FPS को रखना है, जिससे तुम्हारा गेम बहुत ही स्मूथ चलेगा, और बाकी यहाँ पर 240 मत करना यार। गाइस ये सब करने के बाद यहाँ पर तुम्हें बाकी सब सेटिंग डिफॉल्ट रहने देनी है, बाकी कुछ नहीं छेड़ना है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले में आना गाइस, ठीक है, डिस्प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्ले में गाइस सबसे पहले अगर तुम्हारे पास लो एंड PC है तो भाई यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है उसको 540 पे रख लो, क्योंकि भाई यहाँ पर 540 सबसे बेस्ट है लो एंड वालों के लिए। इससे थोड़ा सा यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा डिस्प्ले की क्वालिटी डाउन हो जाती है, जो पिक्सल्स हैं वो थोड़ा सा ब्लरी जाती है, स्क्रीन ब्लर हो जाती है थोड़ी सी हल्की फुल्की, लेकिन इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना भाई अगर स्मूथ खेलना है तो, ठीक है। और बाकी अगर अच्छा PC है तो भाई तुम लोग नीचे भाई तुम 1920 1080p और 2K 4K पे खेल सकते हो। मैंने यहाँ पर 720p पे किया हुआ है, मीडियम लैपटॉप है मेरा, तो भाई इसमें सही चल जाता है, तो ये मैंने रखा हुआ है, तुम लोग भी रख सकते हो उसको, ठीक है।
बाकी बात करें गाइस DPI की, तो DPI अपनी सेंसिविटी के अकॉर्डिंग रखनी है मेरी, 499 है जो कि मेरी सेंसिविटी के लिए काफ़ी बेस्ट है तो मैंने ये रखी हुई है। इंटरफेस स्केलिंग तुम्हें 100% पे रखनी है जो कि डिफॉल्ट पे होती है। बाकी सब सेटिंग है डिफॉल्ट नहीं किया, यहाँ पर तुम्हें आवाना है ग्राफिक सेटिंग में, ग्राफिक इंजन मोड भाई तुम्हें रखना है परफॉर्मेंस पे, और गाइस यहाँ पर ग्राफिक जो रेंडर है भाई ओपन जीएल पे रखना। अब बहुत से लोग के ना ओपन जीएल पे वर्क नहीं करता सही से, अगर तुम्हारा गेम ऑटो ब्रेक हो जाता है मतलब गेम क्रैश हो जाता है तो तुम्हें भाई इसको एक बार डायरेक्ट एक्स पे रखना है, क्योंकि बहुत से लोग के ना ओपन जीएल पे ये वर्क नहीं करता मतलब सही से, तो एक बार डायरेक्ट एक्स पे रख लेना। अगर इस पे बढ़िया चलता है गाइस तो भाई तुम्हारा काफ़ी बढ़िया है, अगर डायरेक्ट एक्स पे प्रॉब्लम आती है तो ओपन जीएल ही रहने देना। तो ये मैंने तुम्हें बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार दोनों को चेक कर लेना एक बार अपने अकॉर्डिंग, अगर ओपन जीएल पे सही नहीं चला तो भाई डायरेक्ट एक्स कर लो, डायरेक्ट एक्स पे सही नहीं चला तो ओपन जीएल कर लेना। इंटरफेस रेंडर आता है गाइस इसको ऑटो पे रहने दो, और उसके बाद आता है ASTC टेक्सचर। अगर इसको तो सबसे पहले डिसेबल मत करना, बहुत से लोग बोलते हैं डिसेबल कर लेना, डिसेबल मत करना भाई, इससे क्या होगा तुम्हारा जो गेम का लोडिंग स्क्रीन है वो बहुत ही बढ़ जाती है, मतलब लोडिंग टाइम बहुत बढ़ जाता है और तुम गेम में जब एंटर करते हो काफ़ी लेट करते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो उसको सॉफ्टवेयर डिकोडिंग रखो, अगर PC है तो हार्डवेयर डिकोडिंग रख लेना। मेरे पास लैपटॉप है तो मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिकोडिंग रखा हुआ है। बस उसके बाद आता है GPU इन यूज़, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पर, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे लैपटॉप में या फिर तुम्हारे PC में जो भी ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है वो उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा, और इसको तुम्हें यहाँ पर इनेबल कर लेना, ठीक है। तुम्हारे एमुलेटर में ग्राफिक कार्ड यहाँ पर सपोर्ट करेगा तो यहाँ पर इसको इनेबल करना, जिससे क्या होता है तुम्हारा जो ग्राफिक कार्ड है वो एमुलेटर को रन करेगा बहुत ही स्मूथली, ठीक है। तो इसको ऑन कर लेना मेक श्योर करके। बाकी गाइस यहाँ पर और सेटिंग कुछ नहीं है, बाकी सब सेटिंग जो है वो डिफॉल्ट रहेंगी यार, बाकी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर फोन वाले टैब में आ जाना, एक बार फोन वाले टैब में आओगे तो यहाँ पर ASUS ROG 2 रख लेना, ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया डिवाइस है यहाँ पर। और उसके बाद यूज़र डाटा पे आओगे ना गाइस, यहाँ पर यूज़र डाटा में डिस्क क्लीनअप आता है, ठीक है, टॉप पे, और यहाँ पर तुम्हें फ्री अप स्पेस कर लेना है, जब भी अपडेट आता है अभी के टाइम पे तुम लोग यहाँ पर इसको कर लेना एक बार ज़रूर से। इससे क्या होगा जो भी तुम्हारे एमुलेटर में बग्स वगैरह होते हैं, जो भी यहाँ पर कुछ फाइल्स वगैरह होती है मतलब टेम्प्रेरी फाइल्स, वो रिमूव हो जाएंगी, तो इसको एक बार ज़रूर से कर लेना। और बाकी बात करें गाइस ब्लूस्टेक 5 पे मैं खेल रहा हूँ, ब्लूस्टेक 5.13 है और इसके बेस्ट वर्जन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, उसको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो एक बार चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर दो यार अगर यहाँ तक अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो, और भाई सब्सक्राइब भी कर देना बाकी इस वीडियो को लाइक में भाई 100 likes का। अब गाइस तुम्हें अपने फ्री फायर पे राइट लॉन्ग प्रेस करना है, उसके ऐप इन्फो पे जाना है और यहाँ पर स्टोरेज में जाना है, ठीक है। स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पर क्लियर कैचे कर लेना एक बार, और क्लियर कैचे करने के बाद एक बार हो सके तो भाई क्लियर डाटा कर लेना, इससे थोड़ा सा यहाँ पर तुम्हारा जो रिसोर्स पैक है वो डिलीट हो जाएंगे, लेकिन भाई एक बार कर लेना, काफ़ी पहले से बहुत स्मूथ चलेगा तुम्हारा गेम। और गाइस तो गाइस ये तो थी हमारी एमुलेटर की सेटिंग्स और यहाँ पर हमारे गेम सेटिंग्स। अभी बात कर लेते हैं हमारे PC या फिर लैपटॉप की कुछ सेटिंग्स की जो यहाँ पर तुम्हारे होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें सर्च करना है स्टार्टअप ऐप्स, ठीक है, स्टार्टअप ऐप सर्च करना, अगर विंडो 11 है तो स्टार्टअप ऐप सर्च करना, अगर विंडो 10 है तो भाई बैकग्राउंड ऐप सर्च कर लेना, सेम है भाई दोनों, ठीक है। इसमें जाने के बाद गाइस यहाँ पर तुम लोग को काफ़ी सारे ऐप देखने मिल जाते हैं, अगर ये तुम्हारे ऑन है भाई, इनमें से ज़्यादातर अगर ऐप ऑन है तो इनको भाई ऑफ कर लेना। ये क्या होता है बेसिकली, जब भी तुम अपने PC या फिर लैपटॉप को ओपन करते हो तो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन करने लग जाते हैं, तो भाई इनको तुम्हें ऑफ करना है इनमें से भाई कुछ, मतलब जो जो मेन है उन्हीं को रखना, बाकी सबको डिसेबल कर देना यार, क्योंकि भाई बैकग्राउंड में ये ज़्यादा रैम यूज़ लेते हैं जिससे एमुलेटर भाई बहुत ही लैग करता है, बहुत ही भाई एकदम FPS भी नहीं आएंगे, तो भाई इनको ऑफ कर लेना, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही रखने हैं, बाकी सबको डिसेबल कर दो यार यहाँ से। तो यहाँ पर इस तरह कर सकते हो, मैंने सिर्फ यहाँ पर विंडोज सिक्योरिटी या फिर इस तरह के मैंने रखे हुए हैं, तो ये रैम यूज़ बढ़ा देते हैं बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। और सेम यहाँ पर हमको टास्क मैनेजर में भी करना है, टास्क मैनेजर यहाँ पर सर्च करना तुम लोग, टास्क मैनेजर के हमारा यहाँ पर एंटर करना है इसमें, और गाइस यहाँ पर तुम लोग को देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह का इंटरफेस। और लेफ्ट साइड में यहाँ पर तुम लोग को सबसे पहले नीचे जाना है, यहाँ पर स्टार्टअप ऐप में इस पर जाना, और यहाँ पर भी तुम्हें भाई वही सॉफ्टवेयर दिख जाएंगे, वही ऐप्स वगैरह दिख जाते हैं, कुछ अलग अलग भी दिखेंगे यहाँ पर, तो वही तुम्हें सेम यहाँ पर वही प्रोसेस करनी है, यहाँ पर इनको यहाँ पर तुम्हें डिसेबल कर देना, ठीक है। यहाँ पर जो जो मेन है उनको इनेबल रखना, जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को इनेबल रखना, बाकी जो अनवांटेड है भाई बैकग्राउंड में जो इनेबल है उनको डिसेबल कर दो, ठीक है भाई। इससे क्या होगा रैम यूज़ जो होता है वो कम हो जाएगा, तुम्हारा जो एमुलेटर बैकग्राउंड में रन कर रहा है वो बहुत ही स्मूथ चलेगा भाई पहले से, तो इनको जरूर से कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर विंडोज सिक्योरिटी वगैरह इनेबल की हुई है। अब गए तुम्हें जाना है प्रोसेस में, और यहाँ पर प्रोसेस में जाने के बाद मेक श्योर करना तुम्हारा जो एमुलेटर वो बैकग्राउंड में रन होना चाहिए, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी को हम हाई करने वाले हैं, तो सबसे पहले तुम्हें अपने एमुलेटर पर राइट क्लिक करके एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड जैसे ही करोगे तो एक और एमुलेटर एक और ब्लूस्टेक देखने को मिलेगा, तो ऊपर वाले पे तुम्हें राइट क्लिक करना है दोबारा से, और यहाँ पर जाना है गो टू डिटेल्स पे, ठीक है। तो गो टू डिटेल पे जाना है तुमने, और यहाँ पर तुम्हें इसके बाद यहाँ पर HD प्लेयर दिखेगा, HD प्लेयर .exe करके ये फाइल देखने को मिलेगी,
इस पर राइट क्लिक करके इसकी सेट प्रायोरिटी पे जाना है, ठीक है, सेट प्रायोरिटी पे जाना है और ये नॉर्मल पे होती है, इसको तुम्हें हाई पे रख देना है, ठीक है। हाई पे रखने से गाइस ये होगा कि जब भी तुम जो भी तुम्हारे लैपटॉप या फिर पीसी में ग्राफिक कार्ड है, रैम है, जो भी प्रोसेसर है, उसको वो तुम्हारे एमुलेटर को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, जिससे तुम्हारा एमुलेटर बहुत ही स्मूथ चलेगा, काफ़ी बढ़िया चलेगा बिना किसी लैग के। तो ये तुम्हें कर लेना है, इसकी प्रायोरिटी को हाई पे रख लेना है। यानी गाइस यहाँ पर से क्लोज करना है इसको, और काफ़ी सारी सेटिंग मैंने बता दी है तुम्हें, एक और सेटिंग मैं तुम्हें बता दूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने इनेबल नहीं करी है तो इसको कर लेना। तो यहाँ पर तुम्हें सर्च बार में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है MS Config, ठीक है, MS Config लिखना और यहाँ पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, इस पर जाना। और गाइस यहाँ पर तुम लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर तुम्हें जाना है बूट वाले ऑप्शन पर, बूट वाले ऑप्शन पे गाइस यहाँ पर तुम लोग को जाना है एडवांस ऑप्शन पे, और इसके बाद तुम्हें कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। टॉप पे तुम लोग देख सकते हो नंबर ऑफ प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इस पर टिक करना है इस बॉक्स पे, और यहाँ पर तुम्हें इस एरो पे क्लिक करना है, और यहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारे नंबर देखने को मिलेंगे, जितने भी तुम्हारे इसमें हाईएस्ट नंबर है वो तुम्हें सेलेक्ट कर लेने। जैसे मेरे में 8 है तो मैंने 8 किए हुए हैं, अगर तुम्हारे में 4 हैं, 6 हैं, 12 हैं, जितने भी हाईएस्ट नंबर है भाई वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ओके करना और यहाँ पर इसको अप्लाई करके भाई ओके कर देना, ठीक है। ये यहाँ पर तुम्हारे उसके बाद रिस्टार्ट करने को बोलेगा, तो एक बार रिस्टार्ट कर लेना तभी ये सेटिंग अप्लाई होगी। तो मैं अभी विदाउट रिस्टार्ट कर लेता हूँ, तो मैं मतलब सेटिंग बताता हूँ। अगली सेटिंग गाइस तुम्हें यहाँ पर सर्च करनी है एक पावर प्लान, ठीक है, पावर प्लान सर्च करना और यहाँ पर चूज अ पावर प्लान आ जाएगा, इस पर जाना है तुम्हें। इस पर आने के बाद गाइस यहाँ पर हम अपने पावर प्लान को हाई परफॉर्मेंस पर रखने वाले हैं, तो अगर तुम्हें तुम्हारा बैलेंस पे है तो इसको चेंज करना है तुम्हें। यहाँ पर तुम्हें राइट साइड में देखने को मिलेगा, मेरे में तो हाई परफॉर्मेंस दिख नहीं रहा है, तो राइट में तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा क्रिएट अ पावर प्लान, इस पर जाना है तुम्हें। और यहाँ पर तुम्हें तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बैलेंस मोड और यहाँ पर पावर सेवर और हाई परफॉर्मेंस। तो हाई परफॉर्मेंस पे सेट करके नेक्स्ट करके इसको क्रिएट कर लेना है। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो पावर मोड है वो हाई परफॉर्मेंस पे चले जाएगा, जिससे तुम्हारा लैपटॉप फिर पीसी पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो वैसे यदि कुछ सेटिंग जिससे तुम अपने लैग को फिक्स कर सकते हो, अपने FPS को इनक्रीज़ कर सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारी सेटिंग है भाई जिससे तुम अपने लैग या फिर अपने पीसी को या फिर लैपटॉप को और ज़्यादा फास्ट कर सकते हो, तो उन सेटिंग्स के लिए भाई मुझे कमेंट करके बता देना कि अगर तुमको वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। बाकी यही थी यहाँ पर कुछ सेटिंग्स, और इनमें से कौन सी सेटिंग तुम्हारे लिए बेस्ट वर्क करी मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक है गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट, लव यू ऑल।